जय भारत माता की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 के अंदर, 1897 के अंदर। क्या होता है 23 जनवरी, कहां पर? उड़ीसा के कटक के अंदर। वन मिनट। तो इसके बाद क्या होता है, इनके जो सॉरी इनके पिताजी का क्या नाम था? जानकी बोस, जानकी नाथ बोस। और इनके माताजी का नाम है था श्रीमती प्रभावती दत्त बोस। शुरू में ये अपनी 10th तक पढ़ के वहां पे कटक के अंदर, इसके बाद ये चले जाते हैं रनशिया कॉलेज के अंदर। कॉलेजिएट के अंदर, और इसके बाद ये कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ से इनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये क्रांतिकारी मतलब जो गतिविधियाँ उनमें ज़्यादा हिस्सा लेते हैं उसकी वजह से। इसके बाद ये चले जाते हैं इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए कहाँ चले जाते हैं? कैम्ब्रिज। उसके बाद ये 1919 के अंदर जाते हैं अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, और वहाँ पे ये चयन भी इनका हो जाता है, लेकिन ये वहाँ से त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो ब्रिटिश सरकार है उसके अंडर ये काम नहीं करेंगे, ब्रिटिश सरकार के लिए भारत के लिए काम करेंगे। मतलब तो 1919 के अंदर ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और इनका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, और ये चयन भी हो जाता है इनका सिविल परीक्षा मतलब। लेकिन ये इनका मानना है भी ये मतलब ब्रिटिश सरकार के अंदर काम नहीं करेंगे, मानना था मतलब। इसके बाद क्या होता है, ये भारत में चितरंजन दास, सी आर दास या चितरंजन दास जो अपने उनके संपर्क में आते हैं, और अपने बात करते हैं उनसे क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए, और उनका जो समाचार पत्र होता है फॉरवर्ड, उसके ये संपादन के रूप में कार्य करते हैं। 1921 के अंदर ये क्या करते हैं, सी आर दास या चितरंजन दास इनका जो समाचार पत्र होता है कौन सा, फॉरवर्ड, इसके अंदर ये संपादक का कार्य करते हैं। इसके बाद ये अपने भारतीय युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुने जाते हैं, और जो अपने सी आर दास है वो मेयर बनते हैं कलकत्ता के, तो वो उनको मेन कार्य इनको ही देते हैं। और उसके बाद ये बंगाल के नेता के सचिव के रूप में भी चुने जाते हैं। तो ये बात है आई थिंक 1923 की है, कि जो सी आर दास क्या बनते हैं, मेयर बनते हैं, उनको ये मेन क्या करते हैं, कार्य इनको ही देते हैं। उसके बाद इनको भी मेयर मतलब बनाया जाता है, उससे पहले ये सचिव बनते भारतीय युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में भी इनको चुना जाता है। ये बात 1923 वाली बात भारतीय
राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की बात है, उसके बाद ये 23-25 है की बात है, उसके बाद ये अपने 1930 के अंदर यूरोप जाते हैं, वहां के मतलब बातचीत करते हैं अपने देश की प्रगति के बारे में, बाकी मतलब सारी स्थितियां जांचने के बाद आगे एक बुक भी लिखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी बुक लिखते हैं, कौन सी किताब लिखते हैं? द इंडियन स्ट्रगल। और वापी हिटलर के साथ बात भी करते हैं कि भारत के मतलब आजादी में मदद करने के लिए। तो उसके बाद ये 1938 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं अपने हरिपुरा जो सेशन होता है, उसके बाद त्रिपुरा का जो सेशन होता है उसमें एक बार फिर से चयन होता है इनका, लेकिन फिर ये वहां से इसको छोड़ देते हैं। 1938-39 के अंदर क्या होता है, राष्ट्रीय अपने जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, मतलब कौन सा सेशन था, हरिपुरा और त्रिपुरारी जो त्रिपुरी सॉरी उसका वहां पे अध्यक्ष, लेकिन ये छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद ये चले जाते हैं अपने जर्मनी से बर्मा अपने सिंगापुर सॉरी वहां पे जाके ये भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अपने सेना का, और एक और भी साथ में होता है इनके संगठन मतलब उसका ये उसको निर्धारित करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना। और आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सरकार मतलब, तो ये बात है 1943 की। 1943 के अंदर ये क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार का संगठन करते हैं। और उसके बाद 1945 को 18 अगस्त को इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जो क्रैश हो जाता है अपना जो एरोप्लेन उसके अंदर, तो वो ताइवान का जगह थी को वहां पर माना जाता है। तो ये बात है 18 अगस्त 1945 की। इसके अलावा जब ये जर्मनी से उधर अपने सिंगापुर जाते हैं या फिर वर्मा, तो उस टाइम ये अपना क्या अपने वो देते हैं नारा देते हैं, दिल्ली चलो, और अपने इससे पहले एक नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पहले की बात है। उसके बाद वो वहाँ पे दिल्ली चलो का नारा देते हैं। इसके अलावा भी एक नारा इनका वो है जो उसने, तो कौन कौन से नारे दिए इन्होंने, दिल्ली चलो का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इसके अलावा जय हिंद भी इनका नारा है। ये इस टाइम की बात है, दिल्ली चलो वाले टाइम की बात है। इसके अलावा ये एक रेडियो प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो उसके अंदर ये जो अपने महात्मा गांधी जी इनको राष्ट्रपिता के तो नाम से संबोधित भी करते हैं। ये आई थिंक बात है 1944 की, 1944 की बात है ये 1944 की। तो मतलब कुछ अपने जो बाहर कहना है लोगों का, या मतलब जो मेन नेता थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस ना होते तो भारत का आजाद होना मुश्किल था, तो मतलब कहने का मतलब ये अभी आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने भारत के मतलब भारत को आजाद कराने में, मतलब बहुत बड़ा योगदान इनका है। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जय हिंद जय भारत।